यह एक फ्रूट फ्लाई है जिसे बैक्ट्रोसेरा डॉर्सालिस के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के लिए स्थानिक है और फलों की फसलों की एक विस्तृत विविधता को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है। एक वयस्क मादा फलों के छिलके में छेद करती है और अंदर 3 से 30 अंडे देती है। जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो लार्वा बेरहमी से फलों के गूदे को खाना शुरू कर देते हैं। इससे फल मनुष्यों के लिए अखाद्य हो जाते हैं। उन्हें प्रबंधित करने का एक प्रभावी तरीका फेरोमोन ल्यूर का उपयोग करना है। फेरोमोन ल्यूर नर पतंगों को सीधे विशेष रूप से डिजाइन किए गए जाल में ले जाता है। एक बार अंदर जाने के बाद वे बच नहीं सकते। इससे मादा पतंगों के साथ कम साथी रह जाते हैं, जिससे खेत में उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। फ्रूट फ्लाइज के लिए गायाजन के ल्यूर और ट्रैप कीटनाशक मुक्त हैं और जैविक खेती के लिए स्वीकृत हैं। इसे अभी हमारे बायो में लिंक पर प्राप्त करें।